नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जून माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि इसका दूसरा भाग होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया गया। इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इसे ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। यह एक द्विचरणी मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, 28 जून 2021 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। अग्नि पी अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। यह एक कनिष्ठीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। प्रश्न संख्या हम लोग दो देखते हैं। प्रश्न संख्या दो में पूछा गया है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे कम उम्र में पदार्पण करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन दिया गया, शेफाली वर्मा, नवजोत कौर, हरलीन देओल, या फिर रेणुका सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शेफाली वर्मा। देखिए, 17 वर्षीय शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने 96 रन की पारी खेली थी। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या तीन देखते हैं। प्रश्न संख्या तीन में पूछा गया है, हाल ही में किसने विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है? आप लोगों को इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है, सर्जेई करजाकिन, अभिमन्यु मिश्रा, अर्जुन, या फिर सिमी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिमन्यु मिश्रा। देखिए, अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं। अभिमन्यु ने मात्र 12 वर्ष 4 माह 25 दिन की कम आयु में हंगरी में हुई प्रतियोगिता में यह कीर्तिमान स्थापित किया है। हम लोग प्रश्न संख्या चार देखते हैं। प्रश्न संख्या चार में पूछा गया है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन दिया गया, हैदराबाद, इंदौर, वाराणसी, या फिर प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदौर। देखिए, इंदौर शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। हम लोग प्रश्न संख्या पाँच देखते हैं। प्रश्न संख्या पाँच में पूछा गया है, हाल ही में संस्कृत भाषा में प्रकाशित देश के एकमात्र अखबार के संस्थापक KV संपत का निधन हो गया, इस अखबार का क्या नाम था? ऑप्शन दिया गया, सुधर्मा, ब्रह्मर्षि, सनातन, या फिर गीतांजलि। तो आप लोग यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है। पहला तो KV संपत नाम याद रखना है, क्योंकि इनका निधन हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दूसरा, ऑप्शन दिया गया इसमें सुधर्मा, ब्रह्मर्षि, सनातन और गीतांजलि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुधर्मा। देखिए, सुधर्मा अखबार दुनिया में एकमात्र संस्कृत भाषा का अखबार है। यह अखबार 1970 से कर्नाटक के मैसूर से प्रकाशित हो रहा था। इसके प्रकाशन की शुरुआत की बात करें तो इसके प्रकाशन की शुरुआत कलाले नांदूर वरदराज आयंगर ने किया था। प्रश्न संख्या हम लोग छह देखते हैं। प्रश्न संख्या छह में पूछा गया है, वियान गांव 100% वयस्क आबादी की टीकाकरण यानी COVID-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना। यह किस राज्य या संघ शासित राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र, असम, अंडमान निकोबार, या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित वियान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। प्रश्न संख्या हम लोग सात देखते हैं। प्रश्न संख्या सात में पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? ऑप्शन दिया गया है, 10, 15, 16, या फिर 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 16। देखिए, हाल ही में गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसमें 16 राज्यों में इसके कार्यान्वयन की मंजूरी प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या हम लोग आठ देखते हैं। प्रश्न संख्या आठ में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन दिया गया, रेबेका ग्रिंसपन, क्लारा जेटकिंग, जैस्मिन हरिसन, या फिर अंकिता रैना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेबेका ग्रिंसपन। देखिए, कोस्टारिका की महिला अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिंसपन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए बनी अपनी एजेंसी अंकटाड का महानिदेशक नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या हम लोग नौ देखते हैं।
9 में पूछा गया है कि 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ऑप्शन दिया गया है भारत, ब्रुनेई, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुनेई। देखिए यह बैठक 16 जून को कब हुआ था? यह 16 जून को हुआ था, 16 जून को इसकी बैठक हुई थी। और इसकी जो बैठक हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी और भारत की तरफ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व और देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? ऑप्शन दिया गया है असम, केरल, मिजोरम या फिर मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। देखिए असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना रिजर्व को राज्य का 6ठा जबकि देहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। हम लोग प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एक निकाय या अंग के लिए 2022-24 की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया? ऑप्शन दिया गया सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद या फिर महासभा या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में 2022 और 2024 की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का केंद्रीय निकाय है तथा सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? ऑप्शन दिया गया गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर कर्नाटक। ये कर्नाटक यहाँ पे होगा या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओडिशा। प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी? ऑप्शन दिया गया IMF, WTO, WB यानी वर्ल्ड बैंक, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, केंद्र सरकार ने कब से स्वर्णाभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन दिया गया 2 जून 2021, 2 जुलाई 2021, 1 जून 2021 या फिर 15 जून 2021। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 जून 2021। हम लोग प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? ऑप्शन दिया गया अनूप चंद्र पांडे, मुकुल गोयल, अरुण कुमार मिश्र या फिर राजेश बंसल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार मिश्र। देखिए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 8वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन सा? 8वां। हम लोग प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। देखिए केरल सरकार के इस सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन दिया गया बीके नारायण, संजय यादव, विक्रमजीत सेन या फिर सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीके नारायण। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, हाल ही में किसे दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया एरिक युआन, एंटोनियो गुटेरेस, अब्दुल्ला शाहिद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एंटोनियो गुटेरेस। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक 2022 से लेकर के 2026 तक के लिए उनको फिर से नियुक्त किया गया है। इनके दूसरे कार्यकाल के लिए 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। भारत ने गुटेरेस के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि अपने टेस्ट पदार्पण मैच में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन दिया गया है नीतल नारंग, कार्स्टन वारहोल्म, डेवोन कानवे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेवोन कानवे। देखिए डेवोन कानवे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए अपने पदार्पण टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले वे सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बने। 29 वर्ष 329 दिन की आयु में उन्होंने ऐसा कारनामा किया। प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है,
भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा, ऑप्शन दिया गया INS विक्रांत, INS सिंधु, INS करंद या फिर INS खंदेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, INS विक्रांत। हम लोग प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, सोनू सूद, अक्षय कुमार या फिर विद्या बालन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अक्षय कुमार। 22 देखते हैं। 22 में पूछा गया है कि जून 2021 में किस वैक्सीन को देश में चौथे कोरोना टीके के रूप में आपात उपयोग की अनुमति दी गई? ऑप्शन दिया गया मॉडर्ना वैक्सीन, कोरोना वैक, एस्ट्राजेनेका या फिर स्पुतनिक 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, मॉडर्ना वैक्सीन। देखिए, भारत में सिप्ला कंपनी की मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 के बाद मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध होने वाली कोरोना की चौथी वैक्सीन होगी। प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि जून 2020 में भारत सरकार द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया? ऑप्शन दिया गया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब लिया गया था? जून 2020 में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में, सॉरी यहां पे जून 2021 होगा, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है भारत के किस राज्य में पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। देखिए, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों में मध्यस्थता की कार्रवाई का प्रबंधन करेगा। प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि हाल ही में जारी द टाइम 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया? ऑप्शन दिया गया है कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, तापसी पन्नू या फिर दीपिका पादुकोण। तो इसका राइट आंसर होगा रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती। प्रश्न संख्या हम लोग 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि विश्व का पहला देश जिसने हाल ही में बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को देश का वैध मुद्रा घोषित किया? ऑप्शन दिया गया अल सलवाडोर, सिंगापुर, मलेशिया या फिर जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अल सलवाडोर। प्रश्न संख्या हम लोग 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने? ऑप्शन दिया गया झांगहांग, किंग हाउ, जैस्मिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झांग हांग। देखिए, चीन के 46 वर्षीय नेत्रहीन नागरिक झांग हांग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चोटी पर चढ़ने वाले पहले एशियाई तथा दुनिया के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 में पूछा गया है कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 02 की लॉन्च की, यानी भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 02 की शुरुआत की, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है दवा उत्पादन से, ऑक्सीजन के उत्पादन से, गरीबी उन्मूलन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन के उत्पादन से। हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 29। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया गया है राजीव कुमार, शोमा मंडल, आरके सबरवाल या फिर रुमाना सिन्हा सहगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आरके सबरवाल। प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि किस कंपनी ने जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ 3 वर्ष के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन दिया गया BSNL, भारत पे, फेसबुक या फिर ट्विटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पे। तो ये आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। धन्यवाद।